एक्चुअली मेरी छाती पिछले 8-10 दिन से खराब है, जुकाम है। मैं पहले टंगमर हॉस्पिटल गया था, वहाँ से मैंने दवाई थोड़ी ली, 5-6 दिन थोड़ा दवाई खाया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं प्राइवेट मेडिकल शॉप पे गया, वहाँ से उन्होंने टेस्ट वेस्ट किए, बोला अभी आप फिलहाल दवाई खा। फिर मैंने दवाई खाई अभी 2-3 दिन से। फिर कल मैं दोबारा गया टंगमर्ग हॉस्पिटल, SDH टंगमर्ग, वहाँ से मैंने चेकअप करवाया, वहाँ से उन्होंने 4 दिन के लिए दवाई दी। और कल से मुझे को थोड़ा अपने आप में थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है कि यहाँ साइन फ्लू हो रहा है। मुझे 10 दिन से मेरी पूरी छाती खराब है, बलगम आ रहा है, जुकाम है, थोड़ा बुखार भी चढ़ा हुआ है। इसलिए परसों भी आया, श्रीनगर पर आया, इतनी भीड़ थी कि मेरे को खाली यहाँ जाना पड़ा वापस, क्योंकि वो चिट्ठी भी मेरे पास है। परसों मैंने यहाँ चिट्ठी निकाली थी CDH हॉस्पिटल श्रीनगर से। फिर शाम 3:30 बजे तक मुझे यहाँ नंबर नहीं मिला, फिर मैं वापस मायूस गया इधर से वापस। फिर आज मैं दोबारा यहाँ आया ताकि मैं यहाँ से चेकअप कराऊँ CDH हॉस्पिटल श्रीनगर से। तो अब जैसा कि हम सबको पता है कि देयर इज ये स्वाइन फ्लू का जो एपिडेमिक चल रहा है, उसके रूम में हमने यहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड एस्टेब्लिश किया है। आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ वी हैव आल्सो हमने यहाँ पे लैब फैसिलिटी भी एस्टेब्लिश की है। वी आर आल्सो एस्टेब्लिशिंग एन ICU, वी आर गेटिंग द वेंटिलेटर्स मे बी इन अ डे और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, 1-2 दिन में यहाँ पे वेंटिलेटर ICU वार्ड भी एस्टेब्लिश होगा। एंड टू टैकल विद द इमरजेंसी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एपिडेमिक इज देयर, इसलिए वी आर ट्राइंग टू टैकल इट। अभी तक CD हॉस्पिटल में कोई H1N1 पॉजिटिव केस नहीं आया है। स्किम्स में आए हैं, लेकिन CD हॉस्पिटल में अभी तक कोई केस नहीं आया है। तो यहाँ पे एक बात है, पैनिक हैज ग्रिप्ड एंटायर सोसाइटी, देर इज पैनिक, देर इज हाइप, देर इज सेंसेशनलिज्म। तो इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि पैनिक ना हो, पैनिक करने की कोई बात नहीं है। एस दे शुड फॉलो सिंपल पर्सनल हाइजीनिक प्रिकॉशंस, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। दे शुड एज वी ऑलरेडी नो इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज एंड दैट टू स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट जो है ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर तक पहुंचता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, बाय सोशल डिस्टेंसिंग वी मीन 1 मीटर की डिस्टेंस तक दूसरे बंदे से रहें, ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फ्लुएंजा जो H1N1 स्ट्रेन वो ट्रांसमिट ना हो। बिल्कुल, इन अ डे और टू विल बी डूइंग ऑल्सो टेस्टिंग हियर, टेस्ट भी कर लेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये एंटायर गवर्नमेंट का जो एफोर्ट है विद हेल्प ऑफ डायरेक्टर हेल्थ, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, यहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सब टेस्टिंग फैसिलिटी भी होगी, वेंटिलेटर फैसिलिटी भी होगी। विल कैटेगराइज पेशेंट्स एज पर CDC गाइडलाइंस, कैटेगरी A, B, C, उसी की वजह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। लोगों को जो मैसेज है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। लोग अननेसेसरली इतने स्केर्ड हुए हैं, अननेसेसरली इतना देर इज अ फियर साइकोसिस इन द सोसाइटी। लोगों से मैं कहता हूं कि वो पैनिक ना हो, आराम से, अगर किसी को ये जुकाम नजला हो रहा है, दैट कैन बी अ फ्लू, दैट कैन, क्योंकि इस टाइम सीजनल फ्लू का भी मौसम है। एंड इन्फ्लुएंजा जो है H1N1, इट इज बेसिकली टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल हाइजीनिक प्रिकॉशंस फॉलो करें, हैंड वॉशिंग इज इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक। अपने आपको सिंपल, अगर सर्जिकल 3-लेयर सर्जिकल मास्क से भी अपने आपको, वो पेशेंट्स जिनमें ऐसे सिम्टम्स हो, अपने आपको कवर कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाई रिस्क कैटेगरीज, किन किन को ये हो सकता है। उसमें एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, less than 2 years एंड greater than 65 years एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जिनको स्ट्रक्चरल कार्डियोपल्मोनरी डिजीज हो, किसी को हार्ट की डिजीज है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स की डिजीज है, उनको हो सकता है, HIV पेशेंट्स को हो सकता है, डायबिटिक्स को हो सकता है, वो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस फॉलो करें, बिकॉज दे आर हाई रिस्क ग्रुप्स।